हेलो, इस वीडियो में हम MS एक्सेल MCQs के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है डैश अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी फार्मूला बार, ऑप्शन सी वर्कशीट टैब्स, ऑप्शन डी नेम बॉक्स। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन सी वर्कशीट टैब्स, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेल्स, ऑप्शन बी जूम स्लाइडर, ऑप्शन सी हेल्प बटन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनदर नेम फॉर ए प्री प्रोग्राम्ड फार्मूला इन एक्सेल इज। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी ग्राफ, ऑप्शन सी फंक्शन, ऑप्शन डी रेंज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फंक्शन, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू प्रिपेयर ए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्लाइड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी डाटाबेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्प्रेडशीट, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज ए सेल इन एक्सेल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एड्रेस, ऑप्शन बी फार्मूला, ऑप्शन सी नेम, ऑप्शन डी लेबल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एड्रेस, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच टर्म इज यूज टू ज्वाइन द सिलेक्टेड सेल इन टू वन सेल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फिल्टर, ऑप्शन बी रैप, ऑप्शन सी पिवोट, ऑप्शन डी मर्ज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मर्ज, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट्स रिप्रेजेंट्स ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बार, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी लाइन, ऑप्शन डी फंक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पाई, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए फार्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगिन्स विद एन। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इक्वल साइन, ऑप्शन बी कॉलन, ऑप्शन सी कॉमा, ऑप्शन डी स्पेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इक्वल साइन, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन MS एक्सेल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डॉट XLSX, ऑप्शन बी डॉट XKS, ऑप्शन सी डॉट XOS, ऑप्शन डी डॉट XBS। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डॉट XLSX, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल रीजन सराउंडिंग द चार्ट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए चार्ट एरिया, ऑप्शन बी लेजेंड, ऑप्शन सी क्लिप आर्ट एरिया, ऑप्शन डी प्लॉट एरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चार्ट एरिया, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दिस इज नॉट ए फंक्शन कैटेगरी इन एक्सेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डाटा सीरीज, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन MS एक्सेल 2019। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 16,384, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 14,000, ऑप्शन डी 17,000। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 16,384, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन ओल्ड वर्जन ऑफ MS एक्सेल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 256, ऑप्शन सी 265, ऑप्शन डी 269। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 256 इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वार शो दी यूज्ड फार्मूला ऑफ सिलेक्टेड एक्टिव सेल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए फार्मूला बार, ऑप्शन बी रिबन, ऑप्शन सी मेन्यू बार, ऑप्शन डी स्क्रॉल बार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फार्मूला बार, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टाइप्ड टेक्स्ट शोड इन एक्टिव सेल एंड आल्सो इन। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए फार्मूला बार, ऑप्शन बी रिबन, ऑप्शन सी टाइटल बार, ऑप्शन डी स्क्रॉल बार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फार्मूला बार, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट रो हाइट ऑफ एम एस एक्सेल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 15। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 15, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड एज फाइल्स कार्ड। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए वर्क ग्रुप्स, ऑप्शन बी वर्क टेबल, ऑप्शन सी वर्कशीट्स, ऑप्शन डी वर्कफोर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वर्कशीट्स, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल सेल विच कैन कंटेन्स इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए रिबन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी कॉलम्स, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रोज, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन एम एस एक्सेल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 3, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फार्मूलाज इन एक्सेल आर मेड अप ऑफ। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस, ऑप्शन बी ओनली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ऑप्शन सी ओनली सिंबल्स, ऑप्शन डी ओनली फंक्शंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स एंड फंक्शन, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दी रिजल्ट इज ए डैश वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए लॉजिकल, ऑप्शन बी अर्थमेटिक, ऑप्शन सी अलॉगरिथम, ऑप्शन डी लॉग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉजिकल, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए मल्टीप्लाई सिंबल, ऑप्शन बी माइनस सिंबल, ऑप्शन सी इक्वल टू सिंबल, ऑप्शन डी प्लस सिंबल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इक्वल, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए डार्क वाइट बॉर्डर, ऑप्शन बी ए डॉटेड बॉर्डर, ऑप्शन सी ए ब्लिंकिंग बॉर्डर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डार्क वाइट बॉर्डर, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सेल लोकेशन, ऑप्शन बी सेल पोजीशन, ऑप्शन सी सेल एड्रेस, ऑप्शन डी सेल कोऑर्डिनेट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सेल एड्रेस, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच साइन इंडिकेट्स टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी प्लस, ऑप्शन सी डिवाइड, ऑप्शन डी माइनस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन ए स्प्रेडशीट ए डैश इज ए नंबर यू विल यूज इन ए कैलकुलेशन। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए वैल्यू, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी फील्ड, ऑप्शन डी लेवल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वैल्यू इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश इज ए पावरफुल टूल यूज टू क्रिएट एंड फॉर्मेट स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अडोब फोटोशॉप CS, ऑप्शन बी मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन सी पावर पॉइंट, ऑप्शन डी MS Excel। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, MS Excel इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वर्कशीट्स, ऑप्शन बी पेज सेटअप, ऑप्शन सी बटन्स, ऑप्शन डी डायग्राम्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वर्कशीट्स इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दी वर्कशीट नेम्स अपीयर ऑन दी टैब्स एट दी डैश ऑफ दी वर्कबुक विंडो। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बॉटम राइट, ऑप्शन बी बॉटम लेफ्ट, ऑप्शन सी टॉप लेफ्ट, ऑप्शन डी टॉप राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बॉटम लेफ्ट इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ ए फार्मूला इन ए सेल इज दी, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डिस्प्लेड वैल्यू, ऑप्शन बी रेंज, ऑप्शन सी वैल्यू, ऑप्शन डी लेबल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वैल्यू इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज विद ए कॉलम। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी रो, ऑप्शन सी कॉलम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेल इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले दी सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रेस। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F5, ऑप्शन डी F12। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, F12 इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ ऑफ MS Excel। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5.5, ऑप्शन बी 2.98, ऑप्शन सी 6.49, ऑप्शन डी 8.43। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 8.43 इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी रोज आर देयर इन MS Excel 2019। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 10,48,576, ऑप्शन बी 4,576, ऑप्शन सी 65,584, ऑप्शन डी 78,485। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 10,48,576 इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी रोज आर देयर इन ओल्ड वर्जन ऑफ MS Excel। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 65,536, ऑप्शन बी 65,535, इसके बाद ऑप्शन सी 65,534, इसके बाद ऑप्शन डी 65,533। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 65,536 इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू डिस्प्लेस द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद द फाइंड टैब सिलेक्टेड प्रेस। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए Add+F, ऑप्शन बी Tab+F, ऑप्शन सी Escape+F, ऑप्शन डी Ctrl+F। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, Ctrl+F इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्री डिफाइंड एंड बिल्ट इन फार्मूलाज इन एक्सेल आर नोन एज। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऑटो शीट्स, ऑप्शन बी चार्ट्स, ऑप्शन सी फंक्शंस, ऑप्शन डी टेबल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फंक्शंस इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रेस डैश टू सेव द एक्टिव फाइल्स विद इट्स करंट फाइल नेम, लोकेशन एंड फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी ऐड प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ऐड प्लस एस्केप, ऑप्शन डी ऐड प्लस टैब प्लस एस्केप। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस, इसका सही आंसर है। तो इस वीडियो में हमने MS Excel MCQs पार्ट 1 के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।